तो बाजीराव सिंघम तो आज की तारीख में अगर लोकतंत्र में देखे तो जनता है, वो चाहे तो घर पे बिठा दे और वो चाहे तो आसमान पे उठा दे। वैसे मिर्जाओं की राजनीति का सूर्यास्त कभी हुआ नहीं। अगर खेवसर का ओवरऑल देखें तो पिछले 15 साल से यहाँ पे खाली बयानबाजी और लोगों को गुमराह किया गया। खेवसर के लोगों को काम करवाने के लिए उनका एक ही पैटर्न है कि पहले धरना दो, धरना होने के बाद में वहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचते हैं, 2-4 मुकदमे होते हैं, फिर वहाँ के नेताजी पहुँचते हैं, फिर वो वहाँ पे काम करवाते हैं कि भैया ये समस्या है तो पहले तू धरने पे बैठ, उसके बाद में पुलिस मारपीट करेगी, 5-7 मुकदमे लगेंगे, फिर वहाँ नेताजी पहुँच के आके अपनी नेतागिरी करते हैं। ये कहानी है कुचिरा नगर पालिका के अध्यक्ष तेजपाल मिर्जा की। तेजपाल जी, आप 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर काबिज हुए, क्या आपकी राजनीति अच्छी है या जनता का प्यार और विश्वास? वैसे आपको पता है पिछली बार मेरे जो सीट्स आई थी वो करीब करीब 50-60% आई थी, और इस बार अगर अपन देखें तो 90% क्रॉस किया है। तो खाली राजनीति करके कोई भी इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। अगर आप आज तक की राजनीति में देखें, आज़ादी के बाद में कभी भी कुचेरा को छोड़ के आप बाहर का भी अगर डेटा कलेक्ट करते हैं तो कहीं पे भी इतना एक तरफा माहौल या एक तरफा रिजल्ट नहीं आता। तो ये जनता का ही प्यार था, मेरी तरफ से जो बना मैंने किया और जनता ने दिल खोल के मेरे को समर्थन दिया, इसलिए मैं दूसरी बार वापस चेयरमैन बना। मिर्जा जी, आप एक बात ये बताइए हमें कि राजनीति के अलावा आप कुछ और करना चाहते थे जो आज तक आपने जनता को भी नहीं बताया, तो आज ज़रा खुलकर बताएं। वैसे आपको पता ही है मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस में, मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद में मैंने जॉब की, करीब 6-7 महीने मैंने L&T में किए, फिर 1 साल इंडिया बुल्स में की, उसके बाद मैं काम धंधे में आया। तो ऐसा मतलब सारी जॉब बिजनेस सारा करने के बाद में भी एक जो संतुष्टि होती है वो नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए मैं राजनीति में उतरा जिससे मेरे गाँव के, मेरे लोगों की, मेरे अपनों की सेवा हो सके। ये एक सोर्स है कि जिससे आप कुछ करना चाहो तो उस पर प्लेटफॉर्म दे दिया जनता ने आपको और उस पर आप कुछ कर सकते हो। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मेरे को राजनीति से अच्छा भी और कुछ लग नहीं रहा। बिजनेस है वो भी मैं करता हूँ, और ऐसा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो ये छोड़ के मैं करना चाहूँगा, इसलिए मैं यही बताऊँगा कि भाई राजनीति तो है ही है, बिजनेस भी साथ में चल रहा है, यानी इस्टेब्लिश करके फिर मैं राजनीति में आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो राजनीति के अलावा मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी चल रहे हैं सब कुछ। जीवन का शुरुआती दौर आपका कैसा रहा, किस तरह राजनीति में उतरे, चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने का आपको कितना अनुभव था? जो फर्स्ट चुनाव लड़ा, वैसे अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि देखे तो बलदेव राम जी के बाद राम निवास जी, नाथुराम जी थे, उनके बाद में रिछपाल जी, जो लेगेसी थी उसको मेंटेन करने की कोशिश की। और काफ़ी टाइम से ऐसा हो गया था कि भाई जनता का या तो हो सकता है हमारा नसीब ख़राब हो या हो सकता है कोई स्टार्स काम नहीं कर रहे हो, तो कंटिन्यू हार रहे थे। तो जब मैं राजनीति में उतरा वो भी मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, हमें आपको बताओ तो टिकट नहीं मिली थी, हमने 20 वार्ड में रिछपाल जी ने बोला भाई अपने तो चुनाव लड़ेंगे, चाहे टिकट मिलो चाहे नहीं मिलो अपने निर्दलीय लड़ेंगे, तो निर्दलीय लड़ा। तो फर्स्ट टाइम में निर्दलीय चुनाव निकालना, मतलब इससे टफ काम और मेरे को लगता नहीं कुछ हो सकता है। तो जितना संघर्ष था वो पहले चुनाव में हो गया और दूसरे चुनाव में जनता ने ही मेरे को जिता के भेजा है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई जो राजनीति की शुरुआत थी वो काफ़ी टफ थी और काफ़ी संघर्षों के बाद में मैं चेयरमैन बना, और बनने के बाद में जो लोगों की उम्मीदें थी उसमें मैं कायम रहा, उसमें मैंने कोई कभी कमी आने नहीं दी। आपके क्षेत्र में आपकी जनता के द्वारा, आपके प्रशंसकों के द्वारा एक बात अक्सर सुनने में आती है कि आप कुचेरा के बाजीराव सिंघम हो, एक तरफा चुनाव लड़ते हो, कुचेरा में आपके सामने कोई टिक नहीं पाता, इसमें क्या सच्चाई? रही बात बाजीराव सिंघम की, तो बाजीराव सिंघम तो आज की तारीख में अगर लोकतंत्र में देखे तो जनता है, वो चाहे तो घर पे बिठा दे और वो चाहे तो आसमान पे उठा दे। तो जो भी करता धरता है, चाहे आप लोग समझें चाहे जनता समझें, उन्होंने ही मेरे को जिताया है और सारा क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम जिताया, मैंने अपनी तरफ से उनको काम करके दिखाया। तो आज की तारीख में
लोकतंत्र में अगर बाजीराव सिंघम है तो सिर्फ जनता है, बाकी आप किसी को बोले कि भाई मेरे को वोट मिले या मान लीजिए किसी के नाम से वोट मिले तो वो चलो ठीक है, एक फैक्टर काम कर सकता है, आप एक दो वार्ड निकाल सकते हैं, पर बाकी वार्डों में या बाकी लोगों के आगे कोई कुछ नहीं है। आज मैं हूँ, चाहे जितने MLA हैं, चाहे जितने MP जीते हुए हैं, वो है तो जनता के पीछे सिंघम बने हुए हैं, तो ये सारी ताकत उनकी है, मैं एक माध्यम हूँ जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी रोष है वो प्रकट कर देता हूँ, उनका भाई एक तरीके से फेस हूँ, बाकी जो बाजीराव सिंघम है वो मेरे को चिरा की जनता है। नहीं, जब जनता के द्वारा आपको बाजीराव सिंघम बोला जाता है तो निष्पक्ष होकर बताइए आपके हृदय में कैसी अनुभूति होती है। नहीं ऐसा ये आपने मेरे को पहली बार बताया है, बाकी एज सच कोई कहता नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा नेचर पोलाइट रहता हूँ, मैं कभी भी एग्रेसिव होके या कोई भी गलत काम नहीं करता, और जहाँ तक हो सके लोगों की भलाई करता हूँ। इवन अगर आप मेरे पिछले 5 साल का टेन्योर देखेंगे तो कोई भी मेरे पास अगर आदमी आता है, चाहे मेरे खिलाफ का भी है, वो काम के लिए अगर आता है तो मैं उसको मना नहीं करता और काम करता हूँ। रही बात बाजीराव सिंघम की, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जनता ही है बाजीराव सिंघम, तो वही उसी ने मेरे को ये सीट दी है, उसी ने जनता नहीं कुचेरा कि आज लोगों ने मेरे मेंबर्स जीता है और मेंबर्स ने मेरे को बनाया है, तो अल्टीमेटली जो पावर है वो जनता के हाथ में ही है। एक समय ऐसा भी आया था कि मिर्दाओं की राजनीति का सूर्यास्त लगभग समाप्त हो गया था, उस समय आपकी स्थिति क्या थी और वहाँ से आपका सफ़र वापस उदय की तरफ कैसे हुआ, उस पर थोड़ी जानकारी दीजिए। वैसे मिर्दाओं की राजनीति का सूर्यास्त कभी हुआ नहीं, मिर्दा एज एन लेगेसी है, और कोई भी अच्छा काम करे, मिर्दा वैसे उपाधि मिली हुई है, तो आप अगर अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए करते हैं तो आप भी मिर्दा ही हैं। जब ऐसी सिचुएशन आई थी कि जिसमें सभी हार गए थे, मेरे को भी बहुत दुख हुआ था, जो अपने लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हुई थी, काफ़ी दुख हुआ था, क्योंकि अगर आप देखें मिर्दाओं की 4th पीढ़ी है हमारी, पर आज तक किसी पे भी पैसे के लेन देन का दाग नहीं है, बेदाग छवि है। तो अल्टीमेटली मैंने यही कोशिश की कि भाई जो छवि है और जो लोगों के लिए काम करते थे, अगर आप ब्रजपाल जी का देखें, नाथुराम जी का देखें, तो ज्योति जी का देखें, तो सब ने काम लोगों के लिए किया, तो मेरा मानस यही था कि भाई कैसे भी करके अपने वापस राजनीति में आएँ, और जो लोगों में था कि भाई हाँ हमारे लिए है या हमारे परिवार की तरह है, वो वापस मेंटेन हो, और इसीलिए मैंने कोशिश की भाई राजनीति में उतरूँ, और सबसे छोटे लेवल की राजनीति में ही उतरा कि सबसे पहले अपने सुधार जो है वो घर से करना चाहिए, तो वैसे घर मेरा गाँव ही है, तो मैंने अपने गाँव से शुरुआत की। कुचेरा नगरपालिका के लिए कैसा सपना देख रहे हैं आप, जिसे आप आज जनता के सामने खुलकर बताएं? नगरपालिका अगर देखें तो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे पानी हो, चाहे लाइट हो। वैसे नगरपालिका अपने यहाँ पे लाइट की इसमें यानी जो लाइट का डिपार्टमेंट है वो नगरपालिका से अलग है, पर ओवरऑल अगर देखा जाए, यानी आप जैसे मेरे होंडा के टूर्स आते रहते हैं, तो मैं जापान भी गया, ऑस्ट्रेलिया भी गया, वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का अगर रहन सहन देखें और लोगों का जो बिहेवियर है वो देखें, तो अपने यहाँ का और उसमें करीब करीब 200 साल का मेरे को आज भी फ़र्क लगता है। कुचेरा नगरपालिका को लेके मेरी ये मंशा है कि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो साफ़ सफाई की है और पानी की है, तो उसी पे मेनली फोकस है मेरा और उसी पे अभी काम चल रहा है, कैसे भी करके जो मेरे को ये जनता ने अगले 5 साल और दिए हैं उसके अंदर मैं पूरा का पूरा उनका इसका निवारण कर दूं। कचरे के लिए जैसे अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि डंपिंग यार्ड हमने परचेज़ किया है, गांव से सहभागिता से परचेज़ किया है, और वो 20 बीघा ज़मीन है, उसकी बाउंड्री का काम चालू हो चुका है। कोट तालाब जो मेन प्रॉब्लम थी कुचेरा की, उसकी बाउंड्री हमने लगभग कर दी, और यहाँ किसी भी अगर शहर में देखे तो मेन प्रॉब्लम उनकी गंदगी की रहती है, तो मेरी कोशिश है कुचेरा से एक तो गंदगी हट जाए, दूसरा जो पानी की समस्या है वो आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर मैं पूरी रिजॉल्व कर दूंगा। तेजपाल जी, पहला चुनाव आपने निर्दलीय लड़ा शुरुआत का, दूसरा कांग्रेस से, तो दूसरा चुनाव भी तो आप निर्दलीय लड़ सकते थे तो फिर, और जीत भी सकते थे, तो फिर आपने कांग्रेस का टिकट पे चुनाव लड़ने का प्रमुख कारण क्या था? अगर आप पिछले काफ़ी टाइम से देखें तो मिर्दा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, अभी मेरे ब्रदर है विजयपाल, वो भी डेगाना से MLA है, कांग्रेस पार्टी से हैं,
मेनली अगर आप देखें तो जो ग्राउंड पे या जो किसानों के लिए, जो गरीब के लिए काम होता है वो कांग्रेस पार्टी करती है। और पहला चुनाव कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसे रीज़न हो गए थे जिसमें हमें टिकट नहीं मिला, और जो लोग थे, जो मेरी टीम थी, उन्होंने बोला अपने चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय लड़ो चाहे किसी भी पार्टी से लड़ो। तो मेरे को मजबूरन उसमें निर्दलीय लड़ना पड़ा। इस बार कांग्रेस ने टिकट दे दिया था तो हमें कांग्रेस को प्रायोरिटी दी, नहीं देते तो हो सकता है हमें वापस निर्दलीय लड़ना पड़ता। तेजपाल जी, अभी आपने कांग्रेस की बात कही तो मैं आपको एक कांग्रेस से संबंधित एक सवाल पूछ रहा हूँ कि केंद्र में कांग्रेस का दमखम नहीं है, आखिर आपको क्या लगता है, उस पर जरा खुलकर बताएं। जो आपने बताया कि केंद्र में कांग्रेस में दमखम नहीं है, तो दमखम तो अभी उनका राज नहीं है तो दमखम का अपन कह भी नहीं सकते। दूसरी चीज़, अगर आप सोच का देखें कि एक तो हमेशा जो आम लोग हैं, जो भारत की जनता है, उनके लिए पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, और जो विजन है वो अगर आप कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी में देखें तो उन्होंने कोविड आने से करीब करीब 4 महीने पहले ही बता दिया था कि भाई ऐसी ऐसी एक बीमारी फैली है जिसके लिए अपने को पहले ही कुछ ना कुछ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कुछ उसका प्रिवेंशन करना चाहिए। तो अब सोशल मीडिया और ऐसे न्यूज़ और ये ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिए जिसमें उनको, उनकी थिंकिंग को या उनके जो विचार हैं उनको डिफरेंट वे से प्रकट यानी शो कर रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो पॉलिटिकली जो लोगों का फ़ायदा है वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया आज तक। तेजपाल जी, आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक डिग्रीधारी युवा थे, एक अच्छी नौकरी आपको मिल सकती थी, तो फिर आपने राजनीति क्यों चुनी? कंप्यूटरधारी बीटेक युवा तो अभी भी हैं, वैसे ज़्यादा एज नहीं हुई है, और जॉब मेरी कॉलेज पास आउट करते ही मेरी जॉब लग गई थी, और जॉब मैंने करीब करीब 1.5-2 साल तक जॉब की है। पर जो एक सेटिस्फेक्शन होता है दिल में, यानी पैसे तो आप कैसे भी किसी भी सोर्स से कमा सकते हो, कोई भी तरीका हो सकता है, आप जॉब लंबे टाइम से करो और धीरे 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 वो अमाउंट एक एक्यूमलेट हो जाता है, पर जो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आप लोगों का काम करके जो संतुष्टि मिलती है वो कहीं ना कहीं मेरे नहीं मिल पा रही थी। मैंने जॉब भी की, अपना बिजनेस भी किया, और जो एक होता है कि भाई हाँ आप अबव एवरेज परफॉर्म कर रहे हो, तो हर चीज़ में मेरा अबव एवरेज रहा कि भाई आप यूँ नहीं है कि आप डाउन हो या किसी चीज़ में कमी थी, या चाहे एजुकेशन हो चाहे स्पोर्ट्स हो, मैंने खुद ने नेशनल्स खेला हुआ है, एजुकेशन में मैंने बीटेक की है, उसके बाद में मेरे 2 कंपनीज में जॉब लगी थी, जॉब लगने के बाद में मैं बिज़नेस में उतरा, फिर पॉलिटिक्स में उतरा। तो ये जो सारे फेजेस हैं, एक जो एज के साथ में आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो जॉब में और बिज़नेस में मिल नहीं पा रहा था, इसीलिए ये था कि भाई कैसे भी करके संतुष्टि जो कहते हैं आप, वो लोगों के काम करके लोगों के बीच में रह के ही मिलती है, तो इसीलिए मैं राजनीति में उतरा। मतलब कहने का भावार्थ यही है कि आपको जनता की सेवा करने के लिए आप राजनीति में उतरे। हाँ, अगर आप कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन यही है कि लोगों की सेवा के लिए ही राजनीति में उतरे। सुना है कि आने वाले समय में आप कांग्रेस के टिकट को लेकर खींवसर का MLA चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या प्रोग्राम बना रहे हैं आप ऐसा? अगर खींवसर का ओवरऑल देखें तो पिछले 15 साल से यहाँ पे खाली बयानबाजी और लोगों को गुमराह किया गया है, धरातल पे वहाँ पे कुछ भी काम हुआ नहीं है। आज भी खींवसर के लोगों को काम करवाने के लिए उनका एक ही पैटर्न है कि पहले धरना दो, धरना होने के बाद में वहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचते हैं, 2-4 मुकदमे होते हैं, फिर वहाँ के नेताजी पहुँचते हैं, फिर वो वहाँ पे काम करवाते हैं। इसका आप बहुत बड़े अगर उदाहरण देखना चाहें तो कुचेरा का आप देख लीजिए, पिछले 5 साल में मैंने किसी भी कौम, किसी भी जात या कोई भी लोगों को धरने देने के लिए मजबूर नहीं किया कि भाई आप धरना दो फिर आपका काम होगा, आप सीधा मेरे पास आओ और सीधा आपका काम करवाओ। इसमें तो होती है नेता की मजबूती और उसमें कितना ताकत है उसका पता चलता है। और एक तरीका ये है कि लोगों को पहले तो उनको बिठाओ के धरने पे कि भैया ये समस्या है तो पहले तू धरने पे बैठ, उसके बाद में पुलिस मारपीट करेगी, 5-7 मुकदमे लगेंगे, फिर वहाँ नेताजी पहुँच के आके अपनी नेतागिरी करते हैं। जो ये ट्रेंड है खींवसर में बहुत गलत चल रहा है। और आपने कहा कि भैया आप चुनाव लड़ोगे तो 100% रिजपाल जी का है, वैसे अगर रिजपाल जी लड़ते हैं तो मैं उनके साथ में रहूँगा, और वो नहीं लड़ते तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा MLA का।
आप अगर चुनाव लड़ते हैं और अगर आपको कांग्रेस से टिकट मिलती नहीं है तो क्या आप बीजेपी की तरफ जाएंगे या फिर यहाँ पर भी एक कुचेरा वाली रणनीति अपनाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कोई भी अपने अकेले का कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। जैसे मैंने पहला चुनाव कुचेरा में लड़ा था तो मैंने अकेले ने डिसीज़न लिया, वो नहीं लिया, वो मेरी पूरी टीम ने लिया। तो रही बात इसकी खेमसर से चुनाव की, तो मैं अकेला इसमें डिसीज़न नहीं ले सकता। जो लोग कहेंगे मेरे, जो मेरे अपने हैं, जो मेरी टीम है, जैसा वो बोलेगी उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। तो अगर टिकट मिले चाहे नहीं मिले वो उन पर डिपेंड करता है, वो उस टाइम क्या बोलते हैं, जो सारे लोग बोलेंगे, जो टीम बोलेगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। मतलब टिकट मिले या नहीं मिले लेकिन तेजपाल मिर्धा का चुनाव लड़ना तय है, यह तो माना जा सकता है? हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस है रिजपाल जी को चुनाव लड़वाएंगे, अगर वो नहीं लड़ते तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। आपके विरोधियों का कहना है कुचेरा में कि तेजपाल जी मिर्धा कोई खास काम नहीं करा पाए, तो ये केवल अफवाह फैला रहे हैं, अपना माहौल बना रहे हैं, तो इसके बारे में धरातल पर कुछ भी नहीं किया बता रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धरातल पर अगर कुछ भी नहीं करते तो लोग 25 में से 22 सीट नहीं आने देते, दो ही सीट आती 25 में से, वो भी बड़ी मुश्किल से। और जो मेरा चुनाव था, मैं आपको एक उस टाइम का थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो टाइम पीरियड कैसा था। ये सिचुएशन थी कि मैं जहाँ पर भी जा रहा था तो लोग राजी खुशी, मतलब आपको घर में बुला रहे हैं कि आप चाय पानी पियो, ज़बरदस्ती पिला रहे हैं। बाकी अगर आप चाहे कहीं का भी देखें, नागौर का लें या राजस्थान में किसी भी ऐसी सिटी का लें, वहाँ पे चेयरमैन दूसरी बार वोट मांगने जाता है तो लोग जूते मारते हैं पीछे से कि साले तूने कुछ किया नहीं। और मेरे वहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिचुएशन थी कि ज़बरदस्ती बुला रहे थे कि साहब आप इधर आओ, तेजपाल जी इधर आओ। और जो काम हुआ है उसका मोटा मोटी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा कि भाई मैंने काम किया या नहीं किया। पहले चुनाव में भी, दूसरे चुनाव में भी मैंने सिर्फ यही कहा था, मैंने कहा भाई आप जीतो, उसके बाद में मेरे से जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करके दूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये आप वहाँ के अगर लोगों से पूछेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा और प्रोडक्टिव आंसर मिलेगा बजाय इसके कि मैं बताऊँ। मैं मोटा मोटी आपको सिर्फ 5 काम गिना देता हूँ जो थोड़े से हटके थे, बाकी नगर पालिकाओं में वो उतना हो नहीं पाया। वो 5 काम में पहला अगर आप देखें तो राजस्थान की सबसे बड़ी सहभागिता योजना थी बहरूजी पार्क की, जो करीब 1,40,00,000 रुपए से हमने पार्क बनाया। 24 बीघा उसमें ज़मीन थी जिसमें से 18 बीघा में पार्क बना, और वो आज मेरे हिसाब से राजस्थान में वन ऑफ द बेस्ट पार्क है जी। दूसरा, कुचेरा में जितने भी शमशान और कब्रिस्तान थे उनके सब के मैंने बाउंड्री करवा दी। जो आने वाले 50 साल में अगर आप देखें तो कोई भी क्लैशेस होते हैं, चाहे जातिगत क्लैश हो चाहे धार्मिक क्लैश हो, उनका मेन रीज़न मंदिर मस्जिद या शमशान कब्रिस्तान ये होता है। ये मैंने पॉइंट बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ना तो वहाँ कहीं मंदिर में डिस्प्यूट हो सकता है, ना मस्जिद में, ना कब्रिस्तान में, ना शमशान में। सबके बाउंड्री है, सबके वॉकिंग ट्रैक बना रखा है, सबके बैठने की जगह है, पानी पीने की जगह है, और जो भी उनकी नेसेसरी चीज़ें थी वो सारी कंप्लीट कर दी। दूसरा काम ये। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो कुचेरा के नगर पालिका की बिल्डिंग अभी नई बनी है, वो मैंने लास्ट टेन्योर में बना दी थी, और उसमें राजस्थान सरकार का 1 रुपया भी हमने यूज़ नहीं किया था। बिना खुद के स्वयं के फंड से, यानी अगर आप देखें तो जो जितने भी पट्टे बनाए उन पट्टों से जो आय हुई उससे हमने वो नगर पालिका बिल्डिंग बनाई। तीसरा, चौथा, अगर आप देखें खेल मैदान और अम्बेडकर भवन, ये दोनों नगर पालिका का फंड यूज़ नहीं करके, खेल मैदान की बाउंड्री जो है वो ज्योति जी ने एमपीलेड से पैसे सैंक्शन करवाए थे उससे, और अंबेडकर भवन जो एडिशनल फंड्स आए थे उससे बनाया। 4 काम हो गए। 5वां काम ये कि गांव में करीब 72 रोड्स मैंने बनाई है जिसमें से करीब 30 रोडें मैंने डामर कर दी। आज एक भी डाणी में जाने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि बाइक से पैदल उतरना पड़े या आपको गाड़ी फंस जाए कहीं। आप जहाँ से रवाना होंगे सीधा उसके घर तक, जो फार्म है उनका, जो खेत है उनके, वहाँ तक आपको रोड मिलेगी। पक्की रोड है डामर की, 30 रोड है डामर की, और टोटल 72 रोड है ग्रेवल की बनाई है मैंने। ये 5 काम है, इनमें कहीं गलत हो तो आप वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल कर पंचायत टीवी को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आप काफ़ी टाइम से आग्रह कर रहे थे भाई इंटरव्यू हो जाए, तो कुछ समय की व्यवस्था थी, कुछ अपने लक काम नहीं करवा रहे थे कि साथ बैठे ही नहीं, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा भाई, आपने पंचायत टीवी ने मेरे लिए टाइम निकाला और मेरा ये इंटरव्यू कंडक्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
तो ये थे कुचेरा नगर पालिका के युवा अध्यक्ष तेजपाल मिर्दा। आज इनसे एक हमने काफ़ी विषयों पर चर्चा की, बहुत ही सुंदर वार्ता रही। और एक चीज़ इस पूरी घटनाक्रम या कहें तो इस इंटरव्यू में निकल के सामने आई है कि एक तो बाजीराव सिंघम पर इनका कहना है कि जनता बाजीराव सिंघम है, कोई नेता नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरी बात, तेजपाल मिर्दा चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चुनाव अगला MLA का लड़ेंगे, ये निश्चित है। यही कहना चाहेंगे सर? ये पूरा का पूरा टीम पे डिपेंड करता है, जैसे मेरे लोग बोलेंगे वैसा काम हो जाएगा। जय हिंद सर।